अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज देखिए, आज इनाया से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इनाया अब सब में भर के दीजिए बेटा पानी। इनाया आज प्लांट्स को पानी दे रही है। इनाया ये मैंने 800 ग्राम चिकन लिए, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। ये मैरिनेशन है तिक्के के लिए। और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून योगर्ट, और ये देखिए मैंने डाल दी है। और 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट डालूँगी, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इन सबको, ये हमारी से फर्स्ट मैरिनेशन है जो हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। ये 800 ग्राम चिकन और 800 ग्राम ही मैंने राइस लिए हैं। ये देखिए, अभी मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और मिक्स करके इसको मैरिनेट करके हमें रखना है हाफ एन आवर, या 20 मिनट्स भी आप रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अगर आप बीफ या मटन से कर रहे हैं तो उसमें कचरी पाउडर या आपको पपीता इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसी रेसिपी से आप कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी आपने मिक्स करना है, जो मैं दिखाना भूल गई वीडियो में। ये देखिए, 1 कप मैंने प्याज फ्राई की है, जो ये मीडियम चल साइज़ की 3 फ्राई प्याज हैं। और ये मैं 4 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ली है। अब मैं बिरयानी का मैरिनेशन कर रही हूँ मसाला। ये मैंने लिए 1/2 टी स्पून हल्दी, और ये 3 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, लेकिन आप रेगुलर मिर्च ले सकते हैं क्योंकि हम मिर्चें कम खाते हैं इसलिए। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैं डालूँगी चाट मसाला, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, आप देख सकते हैं। और मैं आप क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए, ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये जो मैरिनेशन मैं तैयार कर रही हूँ, और 2 सब्ज़ी इलायची मैंने डाली है, और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है। और इसके बाद जो है, इसमें मैं जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी है वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और मैं 1/3 कप जो है प्याज रख लूँगी, वो जब मैं बिरयानी को दम दूँगी उस वक्त डालने के लिए। और उसमें से सारी प्याज मैं इसमें, देखिए थोड़ी सी प्याज मैंने बचाई है जो, और वो मैं बिरयानी में दम लगाते हुए डालूंगी। इसको मिक्स करके ये हमारी मैरिनेशन तैयार है। और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है सॉल्ट। अब हमारा तिक्के में भी सॉल्ट चला गया, और बिरयानी में 2 तेज़पात के पत्ते डाले मैंने इसमें। अब ये हमारी मैरिनेशन रेडी है, और अब हम बिरयानी की उसकी तरफ चलते हैं। इसमें मैंने 1/2 कोरिएंडर जो मैंने कट करके डाला है चॉप करके, और अब मैं इसको, और जो पुदीना है वो भी 1/2 है, वो भी मैं चॉप करके डाल रही हूँ। टमाटो लिए हैं मीडियम साइज़ के, ये देखिए इसको स्लाइस कर लूँगी मैं इनको। जी जनाब, ये देखिए ये हमारा रेडी है मसाला पूरी बिरयानी के लिए। अब मैं जो मेरी ओवन की ग्रिल है वो मैंने चूल्हे पर रखी है इसके बर्नर के ऊपर, और इस पर मैं शाशले के स्टिक मैंने थोड़ी देर सोक की थी पानी में, और उसके अंदर मैंने चिकन की जो वो हैं पीसेस उनको मैंने डाल के, और फिर ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम है ये उस पर रखा है टिक्के को। इसको आप वैसे भी इस तरह टिक्के बना सकते हैं बग़ैर ओवन के, मैं चाहती तो ओवन में बना सकती थी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि हम इस तरह भी बना सकते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है तो। ये हमारे टिक्के 20 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे। ये मैंने उधर, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसको एक फॉइल में रखा है, और फॉइल में डाल के, और मैंने एक कोयले का स्मोक दे दिया इसमें ताकि टिक्के का फ्लेवर आ जाए। अब ये देखिए मैंने पतीली में ऑयल डाला है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, और ये जो टमाटर मैंने स्लाइस किए थे 2 वो डाल दिए हैं। और मैं इसको अभी लिड कवर करके पकाऊंगी, क्योंकि हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी उसमें डाल दिया है। देखिए ये गलने का इंतज़ार करूंगी, जैसे ही सॉफ्ट होते हैं टमाटो, ये देखिए अभी थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, जैसे ही सॉफ्ट होते हैं तो फिर मैं इसमें
चिकन का हमने जो मसाला बनाया है बिरयानी का, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए अब मैं अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी मसाले को इसके अंदर, ये देख रहे हैं आप ये। और आप ये देखें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है इसमें, बिल्कुल जल्दी से तैयार होने वाली बिरयानी है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, कि बिरयानी लोग सोच के ही बहुत परेशान होते हैं कि बिरयानी इट्स टू डिफ़िकल्ट, बट इट्स टू ईज़ी। इसमें मैंने मसाला जो था पानी थोड़ा सा डाल के कर लिया, जब हमारा ऑयल ऊपर आएगा तो हमारा मसाला डन होगा इंशाल्लाह। और आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल मसाला रेडी है, हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है, ये डन है। ये देखिए ये मैंने लिया है पानी, और इसमें लिया है मैंने 3 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और एक लेमन का जूस डाल रही हूँ। इसके छिलके भी मैं इसमें ही डाल दूँगी, और 2 तेज़पात, और इसमें मैंने गरम मसाला बिल्कुल नहीं डाला है, बस 2 बड़ी इलायची डाली है। और इसमें जैसे बॉयल आया है तो मैंने इसमें पुदीने के पत्ते और 5 चावल शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसका वेट करूँगी, जब हमारा 75 डन हो जाएगा राइस तो मैं आपको उस टाइम पर दिखाऊँगी। ये देखिए ये हमारा 75 डन हो गया है राइस, इस वक्त मैं इसको निकाल लूँगी, हाफ से ज़्यादा राइस जो मैं निकाल लूँगी थोड़े से मैं ऊपर। ये देखिए हमारा 75 डन हो चुका है राइस, अब मैं इसको निकाल रही हूँ अलग। और जो लेमन के पील मैंने डाले थे छिलके वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी अभी, और ये मैं तह में लगाऊँगी ये वाले राइस। और जो उसके बाद थोड़े से राइस मैं छोड़ दूँगी इसमें, जो इनको ये जो है ये फुल डन करके मैं ऊपर लगाऊँगी, क्योंकि ऊपर के राइस मुझे फुल डन चाहिए। देखिए अब मैंने सॉस पैन में टमाटो रखे हैं, अपने जो पतीली है मेरी उसकी, ये सारे टमाटो स्लाइस लगा के, और मैंने बिल्कुल मामूली सा ऑयल डाला है इसमें, थोड़ा ग्रीस हो जाए इसलिए। अब मैं इसमें चावल की तह बिछाऊंगी, ये देखिए जो मैंने निकाले थे पहले, ये 75 डन है राइस, इसमें से मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ लेमन। और अब इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूँगी, इस पर मैं फूड कलर डाल रही हूँ। और अब मैं इस पर मसाला डालूँगी जो हमने बनाया है, पूरा मसाला इस पर फैला के। और फिर इसके ऊपर जो है मैं तली हुई प्याज जो मैंने बचाई थी थोड़ी सी 1/3 कप के जितनी, वो मैं इस पर डाल रही हूँ। और अब मैं अंदर की तरफ लो, देखा आपने मोस्टली देखा हो ऊपर रखते हैं, लेकिन मैं अंदर क्योंकि ताकि चिकन हमारी ड्राई ना हो, दम के अंदर की तरफ रख रही हूँ मैं। और अगर कोई कसर रह भी जाती है टिक्के में तो वो इसमें पूरी हो जाएगी। और ये मैं जो फुल डन राइस किए हैं वो मैं ऊपर रखा रही हूँ तह में, और इस पर मैं थोड़ा फूड कलर डालूँगी और जायफल जावित्री का पाउडर, ये देखिए ये केवड़ा वाटर डाल रही हूँ मैं, ये देखिए फूड कलर डाला है मैंने ऑरेंज। और जो इसको मैं 20 मिनट्स के लिए दम पे रखूँगी, पहले फुल फ्लेम पे और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दूँगी। ये देखिए अब मैं इसको कवर कर दूँगी, ये जो बाकी बचा हुआ ऑयल था मेरा उसका, ये जायफल जावित्री का पाउडर मैंने डाला है। और अब मैं इसको लिड से कवर कर दूँगी और 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में राइस डन हो जाएंगे इंशाल्लाह।